हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आज सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और पुलिस द्वारा शहर भर के कई कोचिंग सेंटर में औचक निरीक्षण किया गया। कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित होते हुए पाए गए, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कोचिंग सेंटर के संचालक के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूरे राज्य भर के कोचिंग सेंटरों के औचक निरीक्षण और चेकिंग किए जा रहे हैं। ऐसे में डीएम नैनीताल के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। शहर भर के तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर या शिक्षण संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उनमें मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसे देखा जा रहा है। ऐसे में आज नवाबी रोड महिला डिग्री कॉलेज के पास एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें कोचिंग सेंटर के संचालक को तत्काल सारी गड़बड़ियों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ही कोचिंग सेंटर का संचालन करने को कहा गया। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो निर्देश दिए गए हैं, उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति गठित की है और उसमें विकास प्राधिकरण के साथ अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य विभागों के लोग हैं। तो जो भी बेसमेंट में विशेषकर कोचिंग या ट्यूशन सेंटर या इस तरह की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। विभागीय जो मानक हैं, उसके आलोक में सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने मानकों के क्रम में इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसमें फिर जो अभी निर्देश आए हैं, उसके क्रम में फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। थैंक यू सर।